नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। देश की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों में से 25 उत्तर प्रदेश की, यूपी में नोएडा टॉप पर। पश्चिमी यूपी में 52% निवेश परियोजनाओं की होगी शुरुआत, 5,000 करोड़ में सिमट गया बुंदेलखंड। पीएम आवास योजना में गरीबों को घर देने में यूपी सबसे आगे, प्रदेश में नोएडा गाजियाबाद टॉप पर। यूपी में शहरों से निकलने वाले कचरे से बनेगा ग्रीन चारकोल, एनटीपीसी करेगा प्लांट की स्थापना। देश के पहले गंगा घाट से हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, पर्यटकों को मिलेगा लाभ। यूपी विधानसभा की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च, एक क्लिक पर मिलेगी सभी सूचनाएं। गोवा की तरह लखनऊ में किराए पर मिलेगी कारें, रेंट आ कैब स्कीम के तहत मिलेगा लाइसेंस। और अब खबरें विस्तार से। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह हुरुन इंडिया ने हाल ही में देश की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों की सूची जारी की है। इनमें से 25 कंपनियां उत्तर प्रदेश की हैं। इनमें से 21 कंपनियां नोएडा, 2 कानपुर, 1 गाजियाबाद और 1 आगरा की है। प्रदेश की सबसे मूल्यवान कंपनियों के रूप में HCL नंबर 1 पर है, जिसकी नेटवर्थ 3.41 लाख करोड़ है। गाजियाबाद की डाबर इंडिया, कानपुर का घड़ी समूह और रेड टेप व आगरा की PNC इंफ्राटेक ने इसमें जगह बनाई है। इन कंपनियों की कुल हैसियत करीब 11 लाख करोड़ है, जो कि 57 देशों की GDP से ज्यादा है। लेते हैं आज की दूसरी खबर। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए जमीन पर उतरने वाले निवेश प्रस्तावों में 52% की भागीदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिखाई दे रही है, वहीं बुंदेलखंड सबसे पीछे दिख रहा है। फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है उसके अनुसार ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तय लक्ष्य का महज 5% ही बुंदेलखंड में जाता दिखाई दे रहा है। वहीं 29% निवेश प्रस्ताव पूर्वांचल में और 14% मध्यांचल में मूर्त रूप लेते दिखाई दे रहे हैं। लेते हैं आज की तीसरी खबर। पीएम आवास योजना में गरीबों को आशियाना देने में उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से काम हुआ है। नोएडा और गाजियाबाद ने अपना 100% टारगेट पूरा कर दिया है। आपको बता दें कि 9 फरवरी को पीएम आवास योजना ग्रामीण की प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक 36,15,041 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी आवासों की DPR तैयार कर शासन को भेज दी गई है। यूपी में अब तक 96.11% टारगेट पूरा हो चुका है। गाजियाबाद को 11 आवास का टारगेट मिला था और नोएडा को मात्र 5 आवास का टारगेट मिला था। दोनों ही जिलों ने 100% टारगेट पूरा कर लिया है। लेते हैं आज की चौथी खबर। उत्तर प्रदेश के शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड यूपी के शहरों से निकलने वाले कचरे से चारकोल बनाएगा। कचरे के निस्तारण को लेकर NVVN और नगर विकास के बीच समझौता ज्ञापन साइन किया गया है। MOU के तहत NVVN द्वारा वेस्ट टू चारकोल प्लांट लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से ग्रीन चारकोल का उत्पादन किया जाएगा। इस आधुनिक तकनीक के प्रयोग से न केवल कचरे का पूर्ण निस्तारण होगा, बल्कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी सहायता मिलेगी। लेते हैं आज की पांचवी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के तहत नमो घाट से हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही धार्मिक शहरों से काशी का जुड़ाव हाईवे मार्ग से हो जाएगा। पर्यटन सेक्टर में और बूम आएगा। पर्यटन विभाग के अनुसार पहली सेवा काशी अयोध्या के बीच होगी। आगरा अयोध्या में हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन करने वाली कंपनी ही इसका संचालन करेगी। ये देश का पहला ऐसा गंगा घाट है जहां पर हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ पर्यटकों को मिलेगा। पर्यटन अधिकारियों के अनुसार काशी से अयोध्या, आगरा और चित्रकूट, प्रयागराज, मथुरा तक की सैर हो सकेगी। उद्घाटन के बाद यात्रा पैकेज आदि का विवरण साझा किया जाएगा। लेते हैं आज की अगली खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अब मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल प्रारूप में ऑनलाइन देखी जा सकेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हाल ही में सचिवालय के तिलक हॉल में UPVS इंटेलिजेंस सर्च मोबाइल ऐप का शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि इस ऐप पर 8 जनवरी 1887 को इलाहाबाद के थॉनहिल मेमोरियल हॉल में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजेंस एंड अवध लेजिस्लेटिव काउंसिल की संपन्न हुई प्रथम बैठक से लेकर फरवरी 2023 तक की विधानसभा की संपूर्ण कहानियां ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। लेते हैं आज की सातवीं और आखिरी खबर। गोवा की तर्ज पर अब लखनऊ में भी लोग घूमने के लिए किराए पर कार ले सकेंगे। परिवहन विभाग रेंट आ कैब स्कीम के तहत फर्म मालिकों को ये सुविधा शुरू करने की अनुमति देने जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इसके लाइसेंस के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण में आवेदन करना होगा। इसका शुल्क 5,000 रुपए होगा। किसी फर्म संचालक या फिर कंपनी को ये लाइसेंस तभी मिल सकता है जब उसके पास कम से कम 50 कारें हों और 5 अलग अलग शहरों में दफ्तर हों। इसके साथ ही गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक रेंट आ कैब स्कीम के तहत STA में पहला आवेदन लखनऊ की राइड ऑन व्हील रेंटल सर्विसेज ने किया है।
अब लगे हाथ एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मौसम की सटीक जानकारी देने वाला सैटेलाइट एनसैट 3DS लॉन्च कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर सुप्रीम कोर्ट ने किया बैन, कहा ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। हाल ही में असम सरकार ने काजी नेमू यानी कि खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE में बन रहे हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 की लिस्ट में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि ISB को भारत में बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।